फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वर्सेस इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मतलब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोनों का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील्स विद डिस्क्राइबिंग द पॉपुलेशन अंडर स्टडी टू समराइज सैंपल। ठीक है, देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहले हम लोग मीनिंग पढ़ रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो स्टैटिस्टिक्स का ब्रांच होता है जो कि क्या बताता है, विद डिस्क्राइबिंग द पॉपुलेशन अंडर स्टडी टू समराइज सैंपल। ठीक है, जो पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करता है ताकि हम लोग उससे सैंपल बना सके। मीनिंग और इन्फेरेंशियल का मीनिंग क्या होता है, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट एम्स एट मेकिंग डिडक्शन अबाउट द पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ सैंपल सर्वे एंड ऑब्जर्वेशन। जो भी सैंपल किया गया है, जो भी ऑब्जर्वेशन पॉपुलेशन के बारे में किया गया है, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का काम होता है कि उस सैंपल से टोटल पॉपुलेशन को मैच करना कि वो जो सैंपल है वो पर्टिकुलर उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है या फिर नहीं। नेक्स्ट इंक्लूड, अब डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या चीज़ें होती हैं। डिस्क्रिप्टिव में होता है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो डाटा है, ठीक है, जिसके बारे में आपको कलेक्शन करना हो, जो पॉपुलेशन है उससे रिलेटेड डेटा को आप कलेक्ट करोगे, फिर उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करोगे, फिर उसको क्लासीफाई करोगे, फिर समराइज करोगे, फिर उसका एनालिसिस करोगे, फिर उसको आप इंटरप्रेट करोगे और लास्ट में आप उसको प्रेजेंट करोगे। लेकिन इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ड्रॉइंग कंक्लूजन, मेकिंग कंपैरिजन, परफॉर्मिंग एस्टिमेशन, डिटरमाइनिंग कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड मेकिंग प्रेडिक्शन। जो आपको सैंपल रेडी करके दिया गया है उससे आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, एक से दूसरे के बीच कंपैरिजन करते हो, एस्टिमेशन परफॉर्मेंस देखते हो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप देखते हो कि किस कारण के वजह से किस चीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ा है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो और प्रिडिक्शन करते हो, एक अनुमान लगाते हो, ठीक है, कि वो जो सैंपल है वो सही है कि नहीं, टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन को सही रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट डिफरेंस है वो है यूजेस का। इट डिस्क्राइब द बेसिक फीचर ऑफ द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है उसका नॉर्मल अगर हमें बेसिक फीचर जानना हो तो वो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से जान सकते हैं। इट एक्सप्लेन द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट और एक्टिविटी। और इन्फेरेंशियल से हमें पता चलता है कि किसी भी एक्टिविटी, किसी भी चांस के होने की कितनी संभावना है, ठीक है, किसी भी इवेंट के, किसी भी एक्टिविटी के होने के कितने चांसेस हैं, इससे हम ये जानते हैं। फॉर्म ऑफ रिजल्ट, अब ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को आप चार्ट के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन जो आपका इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है उसको आप प्रोबेबिलिटी स्कोर के फॉर्म में क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। टूल्स यूज, अब इसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं मेजर करने के लिए, ठीक है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, समराइज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया जाता है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, आप स्क्यूनेस, मीन मीडियन, मोड, कुर्टोसिस, ये सारी चीज़ें क्या करते हो, आप यूज़ करते हो आपको डेटा कलेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज समराइज करने के लिए। इन्फेरेंशियल में क्या किया जाता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया जाता है एंड एनालिसिस ऑफ वेरियंस किया जाता है, ठीक है। यूज्ड व्हेन, अब जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो कब यूज़ किया जाता है और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कब यूज़ किया जाता है। डेटा सेट इज स्मॉल, जब आपका जो डेटा सेट है वो बहुत ही जब छोटा हो, ठीक है, जब छोटे पैमाने पे आपको कोई भी डेटा कलेक्ट करना हो और उसको ऑर्गेनाइज समराइज करना हो, प्रेजेंट करना हो, तो आप क्या करते हो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हो। लेकिन जब आपका लार्ज डेटा सेट है तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हो। तो ये बेसिकली क्या था, हमारा डिफरेंस था किसमें, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में।
होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।